हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। वीवी डॉट नेट के असाइनमेंट का ये दूसरा वीडियो है। आज हम बनाएंगे राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर अ नंबर इज नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो। तो ये भी बड़ा आसान सा प्रोग्राम है। विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं, एक नया मॉड्यूल बनाते हैं, उसका नाम रखते हैं NPZ, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव और ज़ीरो, और देखते हैं कि किस लॉजिक से बनेगा। देखिए, अगर हमें चेक करना हो कि नंबर पॉजिटिव है या फिर आपका नेगेटिव है या ज़ीरो है, तो सबसे अच्छा तरीका है तो ये होगा कि अपन क्या करें, उसको ज़ीरो से कंपेयर करें। अगर वो ज़ीरो से लेस है तो वो नेगेटिव होगा, अगर वो ज़्यादा है तो पॉजिटिव होगा, और ऑब्वियसली इक्वल टू है तो ज़ीरो कहलाएगा। तो इसी लॉजिक के साथ, इफ स्टेटमेंट के साथ हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। पर अब देखना यह है कि यहाँ पे अपन न्यू असाइनमेंट में राइट क्लिक करते हैं, ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे हम एक नया मॉड्यूल ऐड कर लेंगे। इसका नाम हम रखते हैं NPZ। इसे ऐड कर देते हैं, और ऐड करने के बाद एक मेन फंक्शन इसमें बनाया जाएगा। मेन फंक्शन मॉड्यूल के अंदर रहता है, तो मेन ऑटोमेटिकली एंड सब आ गया। तीन वेरिएबल्स लेते हैं, तीन वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही वेरिएबल से काम चल जाएगा। सो इंटीजर num as integer, सॉरी मैं यहाँ पे एक्चुअली dim लिखना था मुझे, सी प्रोग्रामिंग की आदत की वजह से ऐसा होते रहता है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो सिंटैक्स हैं वो थोड़ा सा परेशान करते हैं। तो अब हमें करना ये है कि num की जो वैल्यू है वो हम पढ़ लेते हैं, console.readline, दैट्स इट। उसके बाद फिर चेक करते हैं, इफ़ num इज इक्वल टू ज़ीरो, देन हम बोलेंगे कि भाई console.write क्या है भाई, ये नंबर नंबर इज ज़ीरो, सीधी सी बात है। ओके, देयर आफ्टर एल्स इफ लगाते हैं, एल्स इफ num इज इक्वल्स टू, सॉरी इस बार इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इस बार अपन लगाएंगे लेस देन और इक्वल्स टू ज़ीरो, देन तो ये जो नंबर है वो क्या है, ये है नेगेटिव नंबर। और यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर इज नेगेटिव, एंड द लास्ट थिंग इज, इसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में ऑप्शन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एल्स नंबर क्या है हमारा, पॉजिटिव है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पॉजिटिव। इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म हो गया, और एंड इफ के बाद में हम एक और चीज़ लिख देते हैं, console.read की लिखते हैं इस बार, तो ये आउटपुट को हमको पढ़ने देगा। इसके बाद हम इसे रन करते हैं, और रन करने से पहले असाइनमेंट की प्रॉपर्टीज़ में इसका नाम चुन लेते हैं, NPZ मॉड्यूल है, सेव कर लेते हैं और रन करते हैं। यहाँ पे एक नंबर देते हैं -5, तो ये बताया नंबर इज़ नेगेटिव, तो इट्स वर्किंग फाइन। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर से मिलते हैं और देखेंगे उसमें कि आपका जो प्रोग्राम टू चेक वेदर ईयर इज लीप और नॉट, वी विल चेक दैट। सी यू सून।